अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कासिम जलाल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर का पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी से मुराद ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम नाप सकें, उसे हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, जिसको हम मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें दो चीजों से, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन से। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर कहलाती है। जबकि हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है दूसरी क्वांटिटी के बारे में भी, जिसे हम नाम देते हैं स्केलर्स का। तो स्केलर हमारे पास ऐसी मिकदार, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ ही डिस्क्राइब करते हैं। जबकि वेक्टर्स में दो चीजें देखी जाती हैं, एक है उसकी मैग्नीट्यूड जबकि दूसरी चीज उसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर्स में अगर हम देखें, फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास फोर्स आती है, वेलोसिटी आती है। ये दो मिसालें जो हैं ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। चले अब सीखते हैं कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो लाइंस को 90 डिग्री के ऊपर हम इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं। एक को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, दूसरी को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो इस तरह दो लाइनों के इंटरसेक्शन के बाद जो एक सिस्टम बनता है उसे हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और ये दो लाइंस 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमने किसी भी वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं, मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर ए है। ये वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दो पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर कुछ इस तरह है कि पॉइंट ए मेरा हॉरिजॉन्टली यानी के अलोंग द एक्स एक्सिस, जबकि पॉइंट बी मेरा वर्टिकली अलोंग द y एक्सेस है। तो वेक्टर जो मेरा a है उसकी जो पोजीशन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो a और b है, यानी कि ओरिजिन से इस वेक्टर की जो पोजीशन है, वेक्टर a की पोजीशन वो a b है। इसी तरह 3D के अंदर जब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D के अंदर होगा, थ्री डायमेंशन में होगा, तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये वेक्टर जो है तीन पॉइंट्स के अंदर यानी कि थ्री डायमेंशंस के अंदर आ जाता है। हमारा वेक्टर ए जो है 3D के अंदर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो हम सीख रहे हैं। वेक्टर ए जो कि किसी ओरिजिन ओ से 3D के अंदर है, थ्री डायमेंशन के अंदर है, पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी जो कि 3D स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे हम किसी वेक्टर को किस तरह जाहिर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। हमारे पास ये वेक्टर जो है, अगर हम इसकी ओरिएंटेशन देखें कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में किन किन एंगल्स के ऊपर है, तो वो एंगल्स हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह शो करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यानी पहले एक्सिस के लिहाज से हमारा जो वेक्टर ए है वो किसी एंगल अल्फा के ऊपर, जबकि
वाई एक्सिस के अलोंग हमारा वेक्टर ए जो है वो पीटा के लिहाज से, इसी तरह अलोंग द जी एक्सिस यानी के तीसरी डायमेंशन में हमारा जो वेक्टर है वो किसी एंगल गैमा के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम सीख सकते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर 3D के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम सीखेंगे कि किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहां हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। तो इनको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में, इस फिगर में दिखाया गया है, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इनको जो है हमने ऐड करना है। इनको ऐड करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है वेक्टर एडिशन के अंदर, हेड टू टेल मेथड। जी, हेड टू टेल रूल से हमने इन दो वेक्टर्स को जमा करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। करना कुछ इस तरह है, हमने पहले वेक्टर ए लेना है, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से हमने कोइंसाइड कर देना है, यानी कि मीट कर देना है। उसके बाद हमने पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक एक नया वेक्टर लेना है जो कि इन दोनों वेक्टर्स का सम यानी कि रिजल्टेंट होगा। वो वेक्टर हमारा आर होगा, उसको हम लिखेंगे आर वेक्टर बराबर है, इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरह हम जो है दो वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। जी, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। ये हमारे पास रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का। जब हम दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तब हमें जो एक वेक्टर आता है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। चाहे हम ए को बी में ऐड कर लें या हम बी को ए में ऐड कर लें। तो इस तरह हमें जो एक सिंगल वेक्टर मिलता है जिसके अंदर कंबाइन इफेक्ट होता है इन दोनों वेक्टर्स का, उस वेक्टर को हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इन दोनों के मुश्तरका जो असर के साथ जो एक सिंगल वेक्टर हमें मिलता है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। अब हम सीखते हैं कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, दो वेक्टर्स को हम किस तरह माइनस कर सकते हैं, या हम दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वेक्टर बी। ग्राफिकली हम लेंगे वेक्टर ए जो कि यहां तक है हमारे पास, जबकि वेक्टर बी जो है हमारे पास इसकी टेल को फर्स्ट के हेड के साथ यहां तक लेके आए, और जो इसका रिजल्टेंट होगा आर, जो कि सब्ट्रैक्शन के अमल के बाद, गुजरने के बाद जो हमें मिलेगा वो है वेक्टर आर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है दो वेक्टर्स का जिनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है, जिस तरह हमने देखा कि एडिशन के अंदर हमारे पास वेक्टर ए हो तो उसका डबल हो जाएगा 2 times है, इसी तरह उसी वेक्टर्स को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका डबल टाइम बन जाता है। ये अमल जो है सारा, इसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। यहां पर हमने वेक्टर ए को एक स्केलर नंबर जो कि 2 है, इससे हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, जो कि इसका दोहरा इफेक्ट हो गया, डबल इफेक्ट हो गया, 2 times हो गया। इसी तरह इसी वेक्टर ए को अगर हम किसी स्केलर नंबर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
इसकी लेंथ में उसी तरह टू टाइम जो है इजाफा तो होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट से राइट है इसकी डायरेक्शन, तो ये राइट से लेफ्ट हो जाएगी। अगर हम किसी भी माइनस नंबर से, जो कि हमारे पास एक स्केलर नंबर है, उससे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू भी यहां पे हमारे पास एक स्केलर नंबर है जिसे हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ये एक चीज यहां पे मैं नोट करना चाहूंगा, कि जब हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि वेक्टर जो है वेक्टर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह वेक्टर्स को हम किसी स्केलर नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्केलर को हम किसी वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों सूरत हाल के अंदर, इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमें जो रिजल्टेंट मिलना है वो वेक्टर ही होना है। इन तीनों कंडीशंस के अंदर जब हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें वेक्टर मिलना है, अगर हमने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें वेक्टर मिलना है, अगर हमने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तब भी हमें वेक्टर ही मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो वन होती है, यानी कि ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। तो ग्राफिकली यूनिट वेक्टर्स को हम 3D प्लेन के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम नाम देते हैं आई का, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है जे। जी एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है के। और एक अहम चीज जो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इनके ऊपर जो ये निशानात बने हुए हैं इन्हें हम नाम देते हैं कैप का। ये निशान जो है खास तौर पे यूनिट वेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है तो उस वेक्टर ए के जो यूनिट वेक्टर है वो हम कुछ इस तरह निकाल सकते हैं कि मेरे पास वेक्टर ए जो है ये इक्वल होगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है यहां पे मेरे पास जो मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर वेक्टर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया जाता है तो उसका हम आसानी से यूनिट वेक्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी होगी। उसकी मैग्नीट्यूड लेने के बाद हम उसी वेक्टर के नीचे उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह उसके नतीजे में जो हमें वेक्टर मिलेगा उसे हम नाम देंगे यूनिट वेक्टर का। अगला हमारा जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर है नल वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, नल वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड
जीरो होती है, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है नॉट डिफाइंड। यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। जैसे कि हमने पहले यूनिट वेक्टर में देखा था कि यूनिट वेक्टर जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए। जब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाए जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, जबकि उसकी डायरेक्शन क्या हो, नॉट डिफाइंड ना हो, उसे हम नाम देते हैं नल वेक्टर का। तो ऐसे वेक्टर की मिसाल मैं एक डॉट की लूंगा कि मेरे पास एक डॉट है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है, जबकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है, आर्बिट्रेरी है। इससे अगला वेक्टर जो है हमारे पास, अच्छा नल वेक्टर को जो है अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें मैथमेटिकली, तो नल वेक्टर हमारे पास आएगा वेक्टर ए, और इसी वेक्टर को उसी वेक्टर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास आता है नल वेक्टर। यानी कि हमारे पास एक वेक्टर ए था, अगर इसी वेक्टर को इटसेल्फ हम सब्ट्रैक्ट कर दें हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम नाम देंगे नल वेक्टर का, वो है इक्वल वेक्टर्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो अगली टाइप में जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? मेरे पास लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ए एंड बी। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर उसी ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वो इक्वल हो जाए। यानी कि मेरे पास वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल हो जाए वेक्टर बी के। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर इनमें से एक चीज भी अनइक्वल आ जाए, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड इन दोनों में से या उसकी डायरेक्शन, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, तो दोनों वेक्टर हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास जो अगली टाइप आ रही है वो है पोजिशन वैक्टर की। पोजिशन वैक्टर ऐसा वैक्टर होता है जो कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D हो या 3D हो उसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करे, यानी कि उस पॉइंट की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस उसको लोकेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसे नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का, जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसके अंदर उस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसा वेक्टर हमारे पास कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को आमतौर पर हम कुछ इस तरह लिखते हैं मैथमेटिकली कि पोजीशन वेक्टर आर जो है वो हमारे पास, अगर हमारे पास 2D प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके अंदर हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट P है जो कि x एक्सिस के अलोंग उसका जो प्रोजेक्शन है वो A के ऊपर है, जबकि y एक्सिस के अलोंग उसका जो प्रोजेक्शन है वो B के ऊपर है। तो ये पॉइंट हमारे पास xy प्लेन के अंदर AB जो है हम पोजीशन वेक्टर R को इस्तेमाल करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो है हम R कुछ इस तरह लिखेंगे कि R वेक्टर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल है AI प्लस
बीच है। इस पोजिशन वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं, वह मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसी पोजिशन वेक्टर्स को 3D प्लेन के अंदर ले लेते हैं तो ये पोजिशन वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि पोजिशन वेक्टर r जो है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस 3D प्लेन के अंदर हमारे पास पॉइंट जो है 3 डायमेंशन में, अलोंग द एक्स एक्सिस ए, अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास बी और अलोंग द जी एक्सिस हमारे पास सी है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स आ जाए तो हम पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करके हम उस पॉइंट की लोकेशन जो है मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हमें एक वेक्टर दिया गया है, उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। यहां पे हम सपोज करते हैं लेट बी देयर अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओपी। हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसे हमने लाइन ओपी से जो है यहां पर जाहिर किया है और वो पॉइंट P के ऊपर जो के जो है वो मीट कर रहा है। हमने क्या करना है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होंगे। पहला इसका जो कंपोनेंट होगा जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस होगा उसको हमने रिप्रेजेंट करना है लाइन ओ एम के साथ, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो कि अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसे हमने रिप्रेजेंट करना है लाइन ओ एन के साथ। अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट जो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन लाइन ओ एम होगा। सिमिलरली हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस और यू कैन से ऑन लाइन ओ एन, ये हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा और साथ में इसके हमने लिखने हैं इनके यूनिट वेक्टर आई कैप और जे कैप। इस तरह जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम किसी भी वेक्टर के लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हमारे पास इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की, तो वेक्टर का पहला कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी हमारे पास ए कॉस थीटा, जबकि वो कंपोनेंट जो कि हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होगी ए सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे वाई ए साइन थीटा के। तो ये जो दो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कहलाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट हमारे पास कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस तरह जो है हम एक किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। यहां पर अगर हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो मैग्नीट्यूड हमारे पास कुछ हम इस तरह निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस हमारे पास ओपी लाइन इसका स्क्वायर इक्वल आएगा ओएम लाइन का प्लस ओएन लाइन का। ओपी लाइन हमारे पास यहां पर जो है वो हाइपोटेन्यूस है, OM लाइन हमारे पास यहां पे बेस है, जबकि ON लाइन यहां पे हमारे पास वर्टिकल है, जबकि OM लाइन जो है हमारे पास बेस आ जाती है। तो इनको अगर हम रिप्लेस करें यहां पर ये हमारे पास आ जाएगी ए वाई का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगी ए एक्स का स्क्वायर। इसको ऑर्डर वाइज लिख लें तो हमारे पास आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरह जो है हम किसी भी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हमने देखना है कि ये वेक्टर ए जो है
वो कितने डिग्री के ऊपर जो है इस 2D प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका हमने ओरिएंटेशन यानी कि इसकी हमने डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो मालूम करनी है। तो कोई भी वेक्टर जो कि है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता हो 2D प्लेन के अंदर, उसकी जो ओरिएंटेशन थीटा यानी के एंगल जो है वो हम मालूम करते हैं टैन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी के ये हमारे पास टैन इनवर्स जो है रेशो होती है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो किसी भी वेक्टर का जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करता हो उसकी जो हम ओरिएंटेशन जो है कुछ इस तरह मालूम करेंगे थीटा इक्वल्स टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।